अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हमारी सुबह जो है मॉर्निंग डे, वो कुछ इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा जो है ना ठंडा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम। आपको मैं बाहर का दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और देखिए बिल्कुल जो है ना धुंध छाई हुई है यहाँ पर। और यहाँ पर देखें मौसम इसका, यहाँ का देखें कितना ठंडा हो रहा है। बस कमरे से बाहर निकलो ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना सर्दी लगती है। और सुबह का टाइम है तो ज़ाहिर है बच्चों को स्कूल जाना है, तो इस वजह से जो है ना सुबह का टाइम है बच्चों को स्कूल जाना है, तो अब मैं आई हूँ इसको उठाने यहाँ पर, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है तो कंबल ओढ़े बगैर जो है ना मज़ा नहीं आता। अगर कंबल हटा तो सर्दी लगती है। उठो, सुबह स्कूल जाना है, उठो साबिर, स्कूल के लिए उठो, जल्दी करो। इनको मज़ा आ रहा है कंबल के अंदर, क्योंकि बाहर निकलो तो इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि वापस बोलते कमरे में आके बैठ जाओ, और कमरा बिल्कुल गर्म है तो मज़ा आता है इस जो है ना गर्म कमरे के अंदर बैठना। और बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही है। ये देखें सज्जू जो है ना उठ कर आ गए हैं यहाँ पे सज्जाद, और इसे सर्दी लग रही है, ये इसी तरह से अकड़ होकर बैठ गए। सज्जाद सर्दी लग रही है और खांसी भी इसे बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका दिल भी नहीं चाह रहा स्कूल जाने को, लेकिन स्कूल तो जाहिर सी बात है जाना है। टिकट भी जो है ना निकलवाएं रात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना ठंड हो रही है। तो ये देखिए कितना गर्म है, बिल्कुल नरम मुलायम सा अच्छा लग रहा है। तो बस ये रात को या सुबह के टाइम पहन कर बाहर निकलते हैं नाश्ता वगैरह लेने के लिए। वापिस जो है ना सज्जाद यहीं पर आकर वापस लेट गया है कंबल के अंदर दोनों भाई, और टाइम भी जो है ना इनके स्कूल का हो रहा है, ये उठ नहीं रहा। उठो उठो, स्कूल जाना है सज्जाद, यहाँ पे देखो शर्म आ रही है। उठो उठो उठो, स्कूल का टाइम हो गया, चलो हम चलते हैं चाय बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे अभी तैयार होंगे तो आज नाश्ता नहीं कर रहे, बस इनका दिल चाह रहा चाय बिस्किट का, खांसी इन्हें बहुत ज़्यादा है तो ये नाश्ता नहीं कर रहे। सो गाइस अभी दम बाहर निकल गए हैं, यही हम लोग घर के सामने, ये घर के सामने ये दुकान है, तो अभी हम उधर जाएंगे इस दुकान पर नाश्ता लेके आएंगे। सो गाइस ये देखिए हमने नाश्ता तो ले लिया है और हम अभी जा रहे हैं। मैं मम्मी का मोबाइल उठा के बाहर की वीडियो बना रहा हूँ। कैसा सुबह सुबह वो है सूरज, जाए आपको नज़र भी सही नहीं है। ये अब यहाँ से आगे देखिए, ये देखिए मेरे मुंह से धुएं निकल रहे होंगे, आपको यहाँ से नज़र नहीं आया। गरम गरम चाय हमारी बन गई, साथ बिस्किट है, और सर्दी हमें जो है ना सज्जाद को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो रहा है, ये बार बार नाक अपनी साफ कर रहा है, तो इसके गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही कुछ और आ जाएगा। तो पियो चलो चाय, स्कूल का टाइम भी हो रहा है, चाय पियो। मज़ेदार सा पुलाव, तो थोड़ा सा मैंने सोचा कि आज पुलाव बना लेती हूँ, आलू का काफ़ी दिन से नहीं बनाया था तो बस आज मैंने बना दिया। और चावल मेरे पास है तकरीबन, मैं इसे अभी खाने जा रही हूँ, इसे धो के मैं डाल दूँगी इसके अंदर, पुलाव हमारा झटपट तैयार हो जाएगा। सज्जाद हो रहा है यहाँ पर तैयार, स्कूल से ये लोग आ गए थे तो ये अपने अब्बू के साथ जा रहे हैं बाहर की तरफ कहीं, तो ये तैयार हो रहा था। हाँ सज्जू कहाँ जा रहे हो? शादी में किसकी है? बाबा के दोस्त की। अच्छा, तो दावत मिली थी आपको? हाँ बगैर दावत के नहीं जाते। नहीं गाड़ी साफ कर ली? नहीं गाड़ी अब करेगा ये साफ, और अब ये जाएंगे, इसके भाई भी तैयार है, इसके पापा, तो ये अब जब जाएंगे वो भी आपको दिखाती हूँ।
મને કામ તો આસી દે કઈ મને બાય કામ બહુ ખાયું લે ગડ सा हमारा पुलाव जो है ना रेडी हो चुका है। तो हस्बैंड मेरे गए थे बच्चों को लेकर, तो मैं और मेरी बेटी थी बस दो जने हमने, तो हमने अपना खाना जो है ना यहाँ पर खा रहे हैं। और मैं यहीं पर इजाज़त चाहूँगी, फिर किसी व्लॉग के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और यही थी हमारी सुबह की रूटीन जो सर्दियों में होती है। तकरीबन शॉर्ट शॉर्ट मैंने दिखाई है, कभी मैं आपको पूरा भी दिखाऊंगी कि हमारा सारे दिन की रूटीन कैसे होती है।